अजमेर की बेटी ने 4000 किलोमीटर चलकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज कलेक्टेड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किया गया सम्मानित। आज अजमेर की बेटी को कलेक्टेड में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया। दरअसल अजमेर की बेटी सूफिया रन फॉर होप के नाम से एक अभियान चलाया और खुद ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी जो कि 4000 किलोमीटर है उसको 87 दिनों में पूरा किया। उन्होंने बताया कि रन का केवल एक ही उद्देश्य था कि हमारे देश में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई जा रही है, गलतफहमियां फैलाई जा रही है, उस पर लोग ध्यान नहीं दे, उसी के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए इस दूरी को तय किया गया और सभी लोगों से बातचीत करके उन्हें समझाया गया और इसलिए आज उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। वह उन्हें 26 जनवरी को जयपुर में राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जाएगा। जी मैंने 25 अप्रैल 2018 में कश्मीर से कन्याकुमारी रन स्टार्ट किया था श्रीनगर से, और कश्मीर से कन्याकुमारी ये रन एक मिशन को लेके था, एक सोशल कॉज को लेके था जिसका नाम होप था, होप फॉर रन, रन फॉर होप, ह्यूमैनिटी, वननेस, पीस और इक्वालिटी, हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करना चाहती थी मैं इस रन के थ्रू। तो कश्मीर से कन्याकुमारी रन करके 4000 किलोमीटर की दूरी मैंने 87 डेज़ में पूरी की और 21 जुलाई को ये रन फिनिश हुआ कन्याकुमारी में, जिसके लिए मुझे ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है अभी हाल ही में, और बहुत खुश हूँ। आज कलेक्टर सर ने बुलाया स्पेशली मुझे पर्सनली मिलने के लिए और बहुत बहुत बधाई दी। आज मैं अपने होम टाउन आई हूँ ये सर्टिफिकेट शेयर करने के लिए सबसे, और बहुत खुशी की बात है ये। तो ये आप राज्य स्तर पर भी सम्मानित होने वाले ऐसा? जी जी जी, राज्य स्तर पे मैं सम्मानित होने वाली हूँ जयपुर 26 जनवरी को, और बहुत खुशी हो रही है और यहाँ से एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो चुकी है, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। क्या मैसेज देंगे आप जो ये रन कर रहे हैं? जी इस रन के थ्रू जी यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखी दिखाई चीज़ों पर या सोशल मीडिया पर जिस तरीके हेटर्स नफरतें फैल रही हैं तो उनसे दूर रहें, उनसे बच कर रहें, क्योंकि मैंने रन किया है मुझे पता है कि हमारे इंडिया के लोग कितने खूबसूरत हैं, आपसी भाईचारा वो सब मुझे देखने को मिला है। तो किसी भी तरह की रूमर्स पे यकीन ना करें, और सबसे पहले हम इंसान हैं किसी भी धर्म या जात होने से पहले, तो इंसानियत को फॉलो करें, इंसानियत बेसिक रिलीजन है हमारा, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। तो इंसानियत को ही प्रमोट करना चाहती हूँ और सब लोगों को ये बोलूँगी कि प्यार और इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। अजमेर का नाम रोशन किया जी, बहुत खुशी हो रही है। नाम सूफिया। सर एक उपलब्धि हासिल की है अजमेर की लड़की हैं, किस तरह से आप उनको प्रोत्साहन करते हैं और आगे नाम भेजा? ये सूफिया खान है, अजमेर की रहने वाली लॉन्ग डिस्टेंस रनर, मैराथन रनर हैं, और इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 4000 किलोमीटर का जो रास्ता है वो मैराथन के द्वारा इसको तय किया है, और मतलब बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है और इनका सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो अजमेर के लिए, पूरे राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात है, बहुत फख्र की बात है कि एक महिला एथलीट ने पूरे देश में, पूरे विश्व में जो एकता भाईचारा का संदेश देने के लिए और जो नेगेटिविटी और ये जो मतलब असहिष्णुता की जो बातें होती हैं उसके खिलाफ़ एक संदेश देने के लिए एक यूनिटी और भाईचारा का संदेश दिया है। और इनके उपलब्धि को मतलब मैंने राज्य स्तर पे 26 जनवरी पे सम्मानित करने के लिए इनका हमने प्रस्ताव भेजा है, और उम्मीद करता हूँ कि ये 26 जनवरी को मतलब ज़रूर ही सम्मानित होंगी, और इसके बाद भी इनका आगे का भी ये है कि ये पूरे विश्व में एक इस तरह का मैराथन रन करना चाहती हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट से जो सपोर्ट होगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा और इनके लिए हर संभव मदद करने के लिए प्रस्तावित करूँगा।